जय जवान, जय किसान, जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखा रहा हूँ इंदौर मंडी में भाव। अरे रुको, अभी इंदौर मंडी का भाव का वीडियो आएगा, लेकिन ये जो वीडियो है ये घर से इसलिए बना रहा हूँ, कल रात को गए थे थोड़ा सुंदरकांड में, हो गए थोड़ा सा लेट। अभी भाव वाला वीडियो आएगा, लेकिन एक जरूरी सूचना सुन लो आप। सूचना ये है कि अभी एक हमारे किसान मित्र है प्रिंसकर राजपूत करके हैं, जिन्होंने एक नोटिस भेजा है मुझे रात को। और अच्छी चीज़ है कि किसान भाई सजग हो गए हैं, किसान भाई अब कहीं ना कहीं हर एक चीज़ पे ध्यान रख रहे हैं। नोटिस किस चीज़ का है? नोटिस है जो एक्सपोर्ट ओनियन एक्सपोर्ट पे जो 500 जो डॉलर कहीं ना कहीं 500 डॉलर मेट्रिक टन के ऊपर कहीं ना कहीं जो चार्ज लगता था वो अब भारत सरकार ने खत्म कर दिया। अब एक चीज़ समझने का प्रयास करना, कुछ किसानों के दिमाग में ये आ रहा है यार ये हट गया अब क्या होगा। भाई साहब बड़ा सिंपल सा है, नोटिस आके लगा रहा हूँ मैं, उसमें बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ कि वो नोटिस को रिवाइज किया है और वो जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी वो हटा दी। अब इसका अर्थ समझ लो, यानी अब क्या होगा कि जो एक मिनिमम सपोर्ट मिनिमम जो प्राइस था जो कोई भी व्यापारी अगर बाहर अगर एक्सपोर्ट करता था उसको देना पड़ता था वो देना नहीं पड़ेगा। तो इससे सीधा सीधा फायदा ही होने वाला है, घबराना नहीं है। इससे क्या होगा, जो जहाँ प्याज जाता था वहां पर जो प्याज का रेट था वहां जरूर कम होने की संभावना है, अपने यहाँ कम होने की संभावना नहीं दिख रही है। अब एक चीज समझने का प्रयास करना। दूसरी चीज, ये एक्सपोर्ट के कारण अभी हवा बनेगी तो एकदम से ज्यादा प्याज मत ला देना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हवा बनेगी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बल्कि और हटा दिया है, अब फ्री कर दिया, जिसको जो बेचना है जितने में बेचना है उतना बाहर बेचो, कोई उसके ऊपर ड्यूटी नहीं है, ये हो गया। तो इससे तो फायदा ही होने वाला। हाँ, लेकिन एक चीज हो सकती है कि जब फ्री कर दिया है पूरी तरह से, तो हो सकता है कि इसमें जो माल है वो बाहर जाएगा तो उधर के लोगों के लिए वो कम में पड़ जाए, लेकिन अपने यहाँ मुझे जहां तक लग रहा है कम होने की संभावना नहीं है। जो चल रहा है वो चलता रहेगा और आगे तो ये देखने में लग रहा कि भाव और ज्यादा तेज हो जाएगा, जहां तक लग रहा कि भाव अब और ज्यादा तेज होगा, यानी अब और ज्यादा भाव मिलने वाले की संभावना है। तो घबराना नहीं है, थोड़ा थोड़ा जैसा चल रहा चलने दो। और अगर आज के आवक की बात करें, जैसा मेरी जो व्यापारी बंधु है उनसे बात हुई फोन पे, तो उन्होंने बताया अभी कि प्याज की आवक लगभग कल जैसी है 50,000 के आसपास, तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी और एक्सपोर्ट का क्या है क्या नहीं है वो मैं, बीच में छुट्टी है उस दिन बहुत अच्छी तरीके से उसके ऊपर रिसर्च करके मैं आपको वीडियो बना दूंगा। बाकी एक नोटिस है बीच में डाल रहा हूँ, लास्ट में डाल रहा हूँ, देख लीजिए। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय भारत। देखिए किसान भाई, ये वाला नोटिस है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर कि इफेक्ट क्या होगा इसका, कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस कंडीशन ऑन एक्सपोर्ट। देखिए लिखा हुआ है इसने कि एक्सपोर्ट ऑफ ओनियन इज रिमूव्ड विथ इमीडिएट इफेक्ट अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, और 13/9/2024 लिखा हुआ है। तो घबराइए बिल्कुल मत, कुछ नहीं होने वाला, ऐसा सब कुछ बढ़िया है, आगे मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम।